अलवर में श्रम मंत्री टीकाराम जूली ने प्रेस वार्ता कर कहा कि कांग्रेस राज में अलवर में कई बड़े प्रोजेक्ट आए थे जिनमें ईएसआई मेडिकल कॉलेज सैनिक स्कूल और चंबल के पानी की योजना थी, लेकिन सरकार बदलने के बाद भाजपा ने सभी प्रोजेक्ट को प्रभावित करते हुए विकास कार्य ठप कर दिए। अब भाजपा के प्रत्याशी विकास की बात कर रहे हैं जबकि पूर्व की सरकार के सारे विकास कार्य ठप कर दिए थे। पत्रकार वार्ता में उत्तराखंड के पूर्व मंत्री ज्योति सिंह बिष्ट और जिला महासचिव नरेंद्र मीणा मौजूद रहे। मैं भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से पूछना चाहता हूं कि अलवर के लिए जो चंबल के पानी की योजना कांग्रेस राज में बनी, जिसका फिजिबिलिटी सर्वे हुआ, उसको बाद में 4 जिलों में और उसके बाद 13 जिलों की ईस्टर्न कैनाल योजना बना के 39,000 करोड़ रुपए की योजना बना के और केंद्र सरकार में पिछले 1 वर्ष से वो लंबित है।